तो अब रुक करते हैं देवघर का, जहां आज केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 303 करोड़ की लागत से संताल परगना के पहले जिले देवघर में पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति का उद्घाटन किया। तो इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ने देवघर में सीजीडी के तहत नेचुरल पाइप गैस पीएनजी का भी वर्चुअल उद्घाटन करते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की जमकर तारीफ की। तो उन्होंने कहा कि संताल परगना जैसे पिछड़े इलाके में जिस तेजी से विकास हुआ है वह पूरे देश के लिए नाजिर है और साल 2027 तक पूरे राज्य में पीएनजी के जरिए गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें कि इस परियोजना में 303 करोड़ की लागत आएगी और संताल परगना के 3 जिले कवर किए जाएंगे, जिनमें 6 लाख घरों में कनेक्शन दिया जाएगा। तो वहीं देवघर के भौगोलिक क्षेत्र में 6,500 कनेक्शन दिए जाएंगे। तो इसके अलावा गोड्डा दुमका के भौगोलिक क्षेत्र में कुल 1,750 करोड़ की लागत आएगी, जिनमें 6 जिलों के 14 लाख से अधिक घरों में पीएनजी गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। खरीदना पड़ता है तो अब ये जो पाइप नेचुरल गैस आएगा तो इसमें उनका मीटर लगा हुआ होगा तो 20-25% ये सस्ता पड़ता है। दूसरा वो झंझट से मुक्ति हो गई कि सिलेंडर लाने वाला कौन, तो ये जो एक प्राकृतिक तौर पर एक अच्छा फ्यूल है जिसके आधार पर कि एनवायरमेंट हमारा परेशान नहीं होगा, सुविधा होगी। और देवघर जैसे छोटे जगह में, गोड्डा जैसे छोटे जगह में, बासुकीनाथ, बागामा, सारवा, मधुपुर जैसे जगह में इस तरह की यदि सुविधा हो जाएगी, और इस सुविधा को फाइनली IOCL और BBCL, HPCL जो है, HPCL गोड्डा में कर रही है और IOCL यहाँ कर रही है जिला में, वो गांव-गांव तक पहुँच जाएगी। तो जब गांव-गांव तक पहुँच जाएगा तो आप समझें जो विस्थापन है, पलायन है, बड़े शहरों की सुविधा है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी